वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास फिफ्थ मैथ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के वर्कशीट 3 और 4 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 3। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा ये जान लेना जरूरी है हम लोगों के लिए। यहाँ ये दो फार्मूले यूज होंगे क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस में हमको सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसी में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया रहेगा, किसी में कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया रहेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे, यदि लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करेंगे। ठीक है, जब भी सेलिंग प्राइस हमको निकालना होता है तो हम देखेंगे अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में तो दोनों को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। और यदि कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तब समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट देता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके देखिए 66 रुपये लिखा गया है सेलिंग प्राइस वाले कॉलम में। बी में कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 74 रुपये। सी वाले में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे तब सेलिंग प्राइस मिलेगा, ये आएगा 555 रुपये। डी वाला क्वेश्चन 1200 रुपये कॉस्ट प्राइस है किसी चीज़ का और उसको बेचा जब तो उसको लॉस हो गया 195 रुपये का। तो जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया रहता है तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा ₹1005। फिर कॉस्ट प्राइस दिया है 4250 रुपये और प्रॉफिट दिया है 300 रुपये और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो जब भी प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया रहता है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आएगा 4550 रुपये, इतने रुपए सेलिंग प्राइस होगी। अगला वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ए शॉपकीपर परचेज्ड ए साड़ी फॉर ₹375 में उसने साड़ी खरीदा किसी दुकानदार ने एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 90 रुपये और उसे 90 रुपये के फायदे पर बेच दिया, मतलब वो इतने रुपए में बेचा कि उसको 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी, कितने रुपए में आखिर बेचा उसने, बताइए आखिर कितने रुपए में वो बेचेगा कि उसको इतने रुपए का फायदा हो जाए। तो मैंने बताया था जब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हो, परचेज मीन्स होता है खरीदना, कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो और पूछ रहा हो सेलिंग प्राइस के बारे में, तो हम क्या करते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। तो पहले प्रॉपर तरीके से लिखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर दिए आएगा 465 रुपये, यानी कि इतने रुपए में वो बेचेगा तब जाके उसे 90 रुपये का गेन होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉच मेकर बॉट एन ओल्ड वॉच फॉर ₹420। कोई घड़ी बनाने वाला जो है 420 रुपये में ओल्ड वॉच खरीद कर लाता है एंड स्पेंड ₹85 ऑन रिपेयर्स और उसकी रिपेयरिंग में ₹85 और खर्च करता है, इतने में खरीदा और इतना रुपए और खर्च हुआ, तो यहाँ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। इफ ही सोल्ड द वॉच एट ए गेन ऑफ 60 रुपये
प्रॉफिट भी दे दिया कि अगर बेचता है 60 रुपये के फायदे पे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो पहले तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लें। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच दिया है 420 और स्पेंट ऑन रिपेयर इतना रुपये और खर्च किया 85, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच हो गया 550 रुपये और प्रॉफिट कितना हुआ इसको बेचने पर 60 रुपये का। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमको कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस गेन 505 + 60 रुपये यानी 565 रुपये। इतने रुपए में उसने बेचा होगा तभी तो उसको 60 रुपये का फायदा हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। राहुल परचेज्ड ए स्टोरी बुक फॉर ₹225। इतने रुपए में खरीदता है राहुल एक स्टोरी बुक को। आफ्टर रीडिंग इट ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड एट ए लॉस ऑफ 120 रुपये। 225 रुपये में कोई स्टोरी बुक खरीदा इसने और फिर पढ़ लेने के बाद 120 रुपये के लॉस पर, इतने रुपए के नुकसान पर अपने फ्रेंड को बेच देता है। तो आखिर उसकी फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिज फ्रेंड फॉर द बुक, उसके फ्रेंड ने उसको कितना रुपया दिया होगा, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बुक दिया है 225, लॉस दिया है 120। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्टोरी बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हो, सेलिंग प्राइस पूछे, तो हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो आ जाएगा हमारा आंसर 105 रुपये। इतने रुपए के लॉस पर उसने स्टोरी बुक को बेच दिया। तो वर्कशीट 3 में यही फार्मूला यूज हो रहा है, सेलिंग प्राइस वाला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। उसके लिए देखिए ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा वर्कशीट 4 के लिए। वर्कशीट 3 में हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना था, वर्कशीट 4 में हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और अगर लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। जस्ट अपोजिट, इधर पहले सेलिंग प्राइस था और कॉस्ट प्राइस इधर था, लेकिन अब इधर कॉस्ट प्राइस है। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, और यदि लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे। ये सारे फार्मूले आपको याद करने होंगे, याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वर्कशीट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हो तो ऐड कर देंगे। ऐड किए 48 रुपीज आ गया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में से जब प्रॉफिट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको कॉस्ट प्राइस पता चलती है। तो 95 में से 12 माइनस करेंगे, यह 83 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट है 123 रुपीज को सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है 18 रुपीज, तो सब्ट्रैक्ट करें तभी कॉस्ट प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे, आएगा 105 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दिया है 675 रुपीज और उसे लॉस हुआ 155 रुपीज का, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे तब हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा ₹830। फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो जब भी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होगा तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को, तो आंसर आएगा 4160 रुपीज। इतने रुपए में उसने खरीदा रहा होगा सामान। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, सलीम इज ए कारपेंटर,
कारपेंटर का मतलब होता है लकड़ी के सामान, जैसे कुर्सी वगैरह बनाना, बेड बनाना, तो कारपेंटर उनको कहते हैं। तो सलीम एक कारपेंटर है, ही सोल्ड ए चेयर फॉर 900, ठीक है, 900 में एक चेयर बेचा तो उसको 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो भाई जब सेलिंग प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। वैल्यू पुट अप किए, आंसर आया 650 रुपी, इतने रुपए का प्रॉफिट। बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मर्चेंट सोल्ड ए फैन फॉर रुपी 1250 एट ए लॉस ऑफ 200 रुपी। कोई मर्चेंट यानी व्यापारी जो है एक फैन को इतने रुपए में बेचता है, 1250 ये सेलिंग प्राइस दे दिया और लॉस भी दे दिया कि उसे 200 रुपये का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फैन लॉस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस दोनों को ऐड कर दिए, आ गया रुपी 1450, इतने रुपए उसके कॉस्ट प्राइस होगी। सी वाला क्वेश्चन, मिस्टर गोयल सोल्ड ए स्कूटर फॉर रुपी 6200 रुपी, इतने रुपए में अपना स्कूटर उन्होंने बेच दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया। इफ ही हैड मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपी 1050 ऑन द स्कूटर, प्रॉफिट भी दे दिया 1050 रुपी, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर। सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को। आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू रुपी 5150, इतने रुपए में उन्होंने खरीदा रहा होगा स्कूटर को। तो ये वर्कशीट 3 और 4 दोनों का सलूशन आपको बता दिया हमने। अब रह जाता है ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर्स के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। यही इतने फार्मूले पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज हुए हैं चैप्टर के। अगर आपको ये सारा फार्मूला याद हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको प्रॉब्लम हो। तो आपको ये फार्मूला याद करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये फार्मूला आपको लिखना भी है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रेन टीचर्स के। यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो बेटे जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों दिया हो और सेलिंग प्राइस पूछता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हम कर दें, हमें पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये और ये ऐड कर दिए तो आया 485 रुपी। कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस दिया है और पूछ रहा सेलिंग प्राइस, तो भाई कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस अपने आप पता चल जाएगा रुपी 3150 रुपी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है और प्रॉफिट हुआ कि लॉस पूछ रहा है, तो भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिए, रुपी 4200 रुपी इतने का प्रॉफिट हुआ। फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो भाई सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, रुपी 780 आएगा। फिर यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो जब सेलिंग प्राइस और लॉस दिया रहे तो
कौन सा फार्मूला यूज कर, तब फिर क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, रुपी 5900 रुपी इतने का इसको कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुशील बॉट 6 डजन बनानाज एट रुपी 35 पर डजन। देखिए उसने 6 दर्जन बनाना खरीदा लेकिन 1 दर्जन का रेट दिया है 35 रुपी, पूरे 6 दर्जन का रेट नहीं दिया है, केवल 1 दर्जन का, देखिए पर डजन, 1 दर्जन बनानाज का रेट दिया है 35 रुपी और लिया कितने, 6 दर्जन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पता चलेगा ना कि टोटल कितना रुपए उसको खर्च करना पड़ा, कॉस्ट प्राइस। एंड ही सोल्ड ऑल द बनानाज रुपी 300, इतने रुपए में पूरा का पूरा बनाना बेच दिया। डिड ही हैव ए गेन और लॉस एंड हाउ मच, उसको फायदा हुआ या नुकसान और कितना। तो 1 दर्जन बनाना का कॉस्ट दिया है 35 रुपी, सो 6 दर्जन कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 दर्जन बनाना, 6 × 35 रुपी 210 आया, इतना टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा। और सेलिंग प्राइस ऑफ 6 दर्जन बनाना कितने में बेच दिया उसने, 300 रुपी में। तो देखिए 210 में खरीदा और 300 में बेच दिया, तो फायदा हुआ उसको, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 300 - 210 ये आया रुपी 90 रुपये का उसको गेन हुआ, फायदा हुआ। तो यहाँ कई बच्चे क्या होता है, इसी को कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 35 को जल्दबाजी में, ऐसा नहीं है, ये 1 दर्जन का कॉस्ट है और उसने 6 दर्जन लिया है, तो 6 × 35 करेंगे तब हमें सही कॉस्ट प्राइस पता चलेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन परचेज 7 stools and 8 tables, कोई है जो पर्सन 7 stool खरीदा और 8 table खरीद कर लाया। द कॉस्ट ऑफ 1 stool वाज, देखिए 1 stool का कॉस्ट है 150 रुपी, तो 7 stool का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ 1 table वाज 280 रुपी, और 1 table का कॉस्ट 280 है, तो उसने कितने टेबल लिए थे, 8, तो 1 table का रेट दिया है तो 8 table का रेट निकाल लेंगे, 1 का दिया है 8 का पूछ रहा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ही इफ ही सोल्ड ऑल द स्टूल्स एंड टेबल्स रुपी फॉर 3100 फाइंड हिज गेन और लॉस, तो उसे गेन हुआ कि लॉस बताइए। तो भाई पहले तो 7 stools और 8 tables का कॉस्ट तो निकाला जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 stools, तो 1 stool का 150 है, तो 7 × 150 ये आ गया 1050 रुपी आ गया 7 stool का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 tables, तो 8 × 1 table का रेट है 280, तो ये आ जाएगा रुपी 2240 रुपी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टूल एंड टेबल्स, सारे स्टूल और टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर ले, ये आया 3290 रुपी, टोटल इतना कॉस्ट पड़ा 7 stools और 8 tables खरीदने में, और बेचा कितने में उसने, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल स्टूल्स एंड टेबल्स 3100 रुपी में, खरीदा है 3290 में और बेच दिया केवल 3100 में, तो लॉस हुआ। तो लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अरे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दे, वैल्यू पुट अप किए तो रुपी 190, इतने रुपए का उसको लॉस हो गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंजीनियर स्पेंट रुपी 24,500 टू असेंबल ए कंप्यूटर। असेंबल ए कंप्यूटर का मतलब एक कंप्यूटर को बनाने में, जोड़ने में, उसका सारा पार्ट्स लाकर उसको उसने असेंबल किया, जोड़ दिया, तो उसको खर्च आया 24,500 रुपी। ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 8,250 रुपी, और
पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, आखिर कितने रुपए में बेचे कि इतना प्रॉफिट हो जाए। तो ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया है, सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऐड कर दिए तो ये आया रुपी 32,750, इतने रुपए में उसने बेचा कंप्यूटर। अगला, ए मैन सोल्ड ए बैग फॉर रुपी 75 एट ए लॉस ऑफ 12 रुपी। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 75 रुपी और लॉस कितना हुआ उसको 12 रुपी का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग पूछ रहा है, तो भाई कॉस्ट प्राइस पूछने का मतलब है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ऐड कर दिए 75 प्लस 12 रुपी, ये आया हमारा आंसर 87 रुपी में उसने बैग को खरीदा था और बेचा कितने में, 75 रुपये में, जिसकी वजह से उसको 12 रुपये का लॉस हो गया, घाटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 3 dozen oranges were sold for रुपी 120। 3 dozen ऑरेंज जो है 120 रुपये में बेचा गया। इफ देयर वॉज ए लॉस ऑफ रुपी 9, अगर उसे लॉस हुआ 9 रुपये का, तो उसका कॉस्ट प्राइस 1 dozen ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। देखिए सेलिंग प्राइस 3 dozen का दिया है और कॉस्ट प्राइस हमको 1 dozen का निकालना है, यहाँ पे ट्रिकी है ये क्वेश्चन। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 dozen ऑरेंजेज इज रुपी 120 और लॉस कितना हुआ 9 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 dozen ऑरेंज पहले निकालेंगे हम। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 dozen ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ऐड कर दिए आया रुपी 129। ये 3 dozen ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है। अब 1 dozen ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 dozen ऑरेंज इज इक्वल टू, तो 3 dozen का जो पैसा आया 129, उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया रुपी 43। यानी 1 dozen ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 43 रुपी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फिल इन द ब्लैंक। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस होता है, तो यहाँ लॉस होगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, सही है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है अब आप लोगों का सारा क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ भी मेरे मिलते रहें। थैंक यू।